पाऊंगी ना, तेरे को इस बार अच्छे मार्क्स लाऊंगी। बुरी को पढ़ाई मतलब क्या? तेरे को बुरे मार्क्स आए थे। क्या बुरे मार्क्स आए थे मेरे को? मेरे को तो साइंस में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए थे। हाँ? अच्छा मैथ्स को कितना आया था तेरे को? तो तेरे को कितना आया था साइंस में? आज तो देख रहा हूँ मैथ्स में हाईएस्ट आई थी ना। साइंस में बता ना क्या आया था। तू बता तुझे मैथ्स में कितना आया था? मैं पहले पूछा था। तू पहले बता साइंस में मैथ्स में ज्यादा बढ़ाने के लिए। अरे रिकॉर्ड हो रहा है। सो गाइस हम दोनों की लड़ाई का मतलब चलती ही रहेगी। अब इसको रिजॉल्व करने का तो एक ही तरीका है, वो एक दूसरे को हेल्प करने। जैसे मैं साइंस में अच्छी हूँ, उसका मैथ्स में, तो हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे और उसी की मदद से हम एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। अब गाइस हम सभी के एग्जाम्स आ रहे हैं, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो इसके लिए आपकी भारी डिमांड पे एग्जाम हैक का वीडियो तो बनता ही है ना। देखो हम भी आपकी हेल्प कर रहे हैं अपने एग्जाम हैक देके, तो आप भी हमें हेल्प करो वीडियो को लाइक करके, अपने सभी दोस्तों से शेयर करो। हाँ अभी तो हैक्स की जरूरत पड़ी, ज्ञान बांटते रहो। इतने अच्छे अच्छे हैक्स लाए हम आपके लिए, एकदम इंटरेस्टिंग हैक्स, तो आप ये सबके साथ शेयर कर दो। एंड सबसे ज्यादा जरूरी, प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड 1 मिलियन की फैमिली तक पहुँचाओ। तो चलो अभी हम लोग हैक्स के साथ चालू करें। चलो ये खत्म, अब बस बाकी है मैथ्स। ओह मुझे नहीं पढ़ना यार। अरे क्यों नहीं पढ़ना, क्या हुआ? अरे यार जब से मुझे मैथ्स में कम मार्क्स आए तब से मुझे सब्जेक्ट से डर ही लगने लग गया है। आयु पहले तो तू ना डर नाम की चीज अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि डर के आगे जीत है। देख प्रैक्टिस कर, पढ़ाई कर, तभी तू अपने सब्जेक्ट को प्यार कर पाएगी, उसको पसंद कर पाएगी, तभी देखो अच्छे मार्क्स आएंगे। तू बस एक दिन निकाल और उस पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट को कर मैथ्स, उसको तू अच्छे से पढ़, अच्छे से समझ, प्रैक्टिस कर, तभी तू ना उस सब्जेक्ट को पसंद करेगी। बिलीव मी तो उसको 100% अपना फेवरेट सब्जेक्ट ही बना डालेगी, क्योंकि इतना आसान लगेगा तेरे को। और बात है बुरे मार्क्स ही, बुरे मार्क्स सबको आते हैं, उसको तू नेगेटिव वे में नहीं पॉजिटिव फीडबैक में ले। अगर तू समझ के उस पार्ट में किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में लैक करती है, उसको अपना गोल बना, उसी पे फोकस कर, तब उसी पार्ट में तू एक्सेल करी, तुझे उसी में अच्छे मार्क्स आएंगे। आयु मैं तेरे को जानती हूँ, अगर कोई भी चीज ना तू ठान लेती है ना तो उसको प्रूव करके बताती है, बस ना तुझे अपना माइंडसेट क्लियर रखना चाहिए। अरे वाह अनु, तुझे तो एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए। बट यार एक प्रॉब्लम बस है, प्रॉब्लम ये है कि जब मैं पेपर लिखने बैठती हूँ ना तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, और जैसे ही मुझे एक सम भी सॉल्व करना ना है ना तो मैं पूरी डीमोटिवेट हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल अब आगे का कर ही नहीं सकती हूँ, सबको पूरी डीमोटिवेट हो जाती हूँ मैं। अरे इतनी सी बात, उसके लिए भी मेरे पास एक हैक है, बताना है। देख अगर तू डीमोटिवेट हो जाती है तो खुद को मोटिवेट करने का, खुद के लिए कुछ ऐसा लिख देने का जिससे तू खुद ही मोटिवेट हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन पे तू स्टक है और तू डीमोटिवेट होने लगती है, तो तू कोई नोटपैड चिपका दे कंप्यूटर पे जिसको तू देख के ही मोटिवेट हो जाए। जैसे कि मैंने इस बार चिपकाया है, यू कैन डू इट, द आंसर इज हिडन इन द क्वेश्चन, यू जस्ट नीड टू फाइंड इट। तो यही देखो डीमोटिवेट होने से बचाता है। This is exactly what I needed. अब मैं यह जरूर मेरे मैथ्स टेस्ट के लिए यूज करूंगी, मैथ्स के लिए नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी। हाँ अब क्या पढ़ाई चालू कर। हाँ चलो मैथ्स अब पढ़ती हूँ मैं। ये दोनों सुन, चल हम दोनों मिलकर फिजिक्स के फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ओके मैं पर जाऊंगी। ओके तो चार्ज इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम एंड एनर्जी इज इक्वल टू पावर अपॉन टाइम। नहीं नहीं नहीं, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। क्या? अरे यार इतने फॉर्मूला से इस चैप्टर में मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ, तू कैसे याद कर ले रही है? उसके लिए पास हैक है, लेकिन उसके लिए 500 रुपए लूंगी। 500 रुपया? अरे नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही थी। चलो मेरा हैक सुन, मना सच्ची में 500 रुपए ले लूंगी। नहीं 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 सुना सुना। मैंने ना एक फॉर्मूला शीट बनाया है जिसमें मैं सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लेती हूँ, फिर उसे लर्न भी कर लेती हूँ एंड बाद में एक क्विक रिवीजन भी कर लेती हूँ। ये चलो हम दोनों मिलके पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं, उससे अच्छा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ओके चल करते हैं। चल जल्दी जल्दी आ जाओ, 3 2 1 से चलेंगे। रेडी 3 2 1 स्टार्ट। मेरा कितना हुआ, चल डिस्कस करते हैं। अरे अभी तो मेरा आधा भी खत्म नहीं हुआ, बहुत बाकी है यार। क्या 1 घंटा कब का भी लिया, अभी तक तेरा हुआ नहीं? अगर तू इसी स्पीड में एग्जाम्स के टाइम लिखेगी तो तेरा तो नहीं हो पाएगा पेपर।
यार हमेशा यही होता है मेरे साथ, यही प्रॉब्लम है। इट्स लाइक मेरे को सब आता तो है पर टाइम भी कम पड़ जाता है हमेशा। अरे लेकिन तेरे को टाइम मैनेज करना चाहिए ना, जैसे पेपर में देखा कितने पेजेस है, फॉर एग्जाम्पल अभी 10 pages और 1 hour का पेपर है, तू ना 20 minutes में तेरे 5 pages खत्म हो जाना चाहिए और बाकी 5 pages 25 minutes में, और बाकी जितने 15 minutes बाकी हुए ना उतने 15 minutes में चेकिंग कर दिया कर। हम लोग बहुत बार ना सिली मिस्टेक्स कर देते हैं इनके अगर हम लोग जल्दी निकले। हाँ और स्पेशली मेरा तो मैथ में बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होते हैं जो मेरे इतने सारे मार्क्स खा जाते हैं। हाँ और सर तो बहुत अगर तुम मिस्टेक भी मिल गया तो उसको रीडू भी करना, तो 15 minutes देने का। और एक और चीज़ जो तुमने बात की, तो इतना ध्यान से हर एक बच्चे को पढ़ते हो, पढ़ना तो चाहिए ना। समझो कि क्वेश्चन आए बहुत मुश्किल जो तू कर ही नहीं पाए तो पूरा टाइम वेस्ट मत कर, तू आगे जा उसको बाद में करना, एंड में 15 minutes में उसमें करना, तेरा टाइम वेस्ट ना सब क्वेश्चंस कर भी पाए। क्योंकि आगे समझो कोई ये इजी क्वेश्चन हुआ तेरा टाइम की वजह से तू उसको सॉल्व रख दी तो तेरे आसान से 2-3 marks चले जाएंगे। हाँ अच्छा है कि तेरा। अब बात है ना, तू सिर्फ एग्जाम्स के लिए टाइम ही नहीं क्या कर खुद को, उसके पहले ही घर पे जब तू पास पेपर सॉल्व करे, कोई भी पेपर सॉल्व करे, खुद को टाइम किया कर कि मतलब मैं इतने टाइम में कर पा रही हूँ, अगर नहीं हो पाए पेपर तो वापस टाइम करके खुद रीट्राई कर कि तेरी स्पीड बढ़ गई नहीं। मार्क्स ना इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जैसे गेम्स तू देखती है स्पोर्ट्स उसमें हर तरीके प्रैक्टिस करेंगे तभी सक्सेसफुल बन पाएंगे। तो हर दिन तुझे 4-5 सम सॉल्व करना चाहिए, तो उसको सॉल्व करते करते तेरी स्पीड खुद ही इंक्रीज हो जाएगी, पेपर में लिखना भी आसान हो जाएगा। अरे हाँ ये तो है, काफी ज्यादा अच्छा है। अरे वाह अनु, तुम्हारे तो पेपर में फुल मार्क्स आए हैं, क्या बात है, वेरी गुड अनु। क्या मिस, मुझे फुल मार्क्स मिले, आज दुनिया का सबसे बेस्ट दिन है, ये फुल मार्क्स। फुल मार्क्स जब पड़ेगी तभी तो आएंगे, सोने से नहीं आते फुल मार्क्स। ये एक सपना था। तू कितना घंटे से पढ़ रही है अनु? 3-4 घंटा। 3-4 घंटे इतना कंटिन्यूअसली तू पढ़ रही है? क्या करूं यार, इतना सारा पोर्शन है, मैं तो थक ही गई पढ़ पढ़ के, यहाँ तक मेरा दिमाग सैचुरेट हो गया, मैं और नहीं पढ़ पा रही यार, मैं इस रूम में ही सड़ गई हूँ, मुझे रूम से बाहर निकलना है। अब ऐसा तो होगा ही ना, अब तू कंटिन्यूअसली 3-4 घंटा पढ़ रही है वो भी विदाउट ब्रेक, तो तेरा ब्रेन तो सैचुरेट होगा ही ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली बात ये तो एफिशिएंट नहीं रहता और दूसरी बात ये कुछ याद नहीं रहेगा, तो जो भी तूने पढ़ा है सब यूजलेस हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए तेरे को। अब तेरा जैसे तूने कहा कि तेरे को यहाँ दिमाग तेरा पूरा सड़ गया यहाँ रह के रूम में, अब तू 3-4 घंटे से एक ही जगह में रहेगी तो ऑब्वियसली ऐसा होगा। देखो मतलब हर 1 घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, जिसमें तू यू नो कुछ भी कर सकती है अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, बाहर निकल रूम से, मम्मी से बात कर, पापा से बात कर, मुझसे बात कर, या नीचे वॉक के लिए जाने का, दोस्तों से बात करने का, या कुछ खा ले, कुछ पी ले, कुछ भी कर ले तो देखो रिफ्रेश कर ले, इससे तेरी पढ़ाई अच्छे से होगी और मजा लेते लेते भी पढ़ेगी ना। अरे वाह, ब्रेक जरूरी है ना, तो मैं अपना ब्रेक अभी लेती हूँ, मैं सो जाती हूँ और अपना सपना कंटिन्यू करती हूँ। वैसे भी तूने सपना अच्छा खासा बीच में टोक दिया, अब उसे वापस कंप्लीट लेते हैं। हाय, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, अब मैं जा रही हूँ पढ़ने, गुड नाइट। तो गाइज ये रहा हमारा एग्जाम्स हैक का वीडियो, होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो देखने में मजा आया और ये हेल्पफुल भी रहे आपके लिए। ये हैक से हम दोनों खुद भी फॉलो करते हैं, तो सोचा आपके साथ शेयर भी कर ले। शेयर से याद आया, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर करो, क्योंकि अभी सबके एग्जाम्स आने वाले हैं, हमारे भी आ रहे हैं एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ से। तो चलो गाइस शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, सभी के मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ गाइस एग्जाम जरूरी, प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करो और वो नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए वीडियो के बारे में, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हमारा न्यू चैनल खुला है व्लॉग चैनल, तो उसको भी सब्सक्राइब करो, हम उसमें व्लॉग्स डालते, थोड़े चैलेंजेस भी डालते, जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा।